जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, मनुष्य जन्म पाकर आपने वेद ग्रंथ कुरान बाइबल का अगर सार नहीं जाना तो आपको 84 में जाना ही होगा। भक्तों, मनुष्य जन्म मिला है और उस परम शक्ति की कृपा से मिला है। आप ये समझें कि आपका पुण्योदय हुआ है, आपने अच्छे कर्म किए हुए, इस वजह से आपको मनुष्य जन्म मिला है। नहीं भक्तों, भगवान की कृपा से यह प्राप्त हुआ है। जब 84 भ्रमते भ्रमते और यह जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, उस शक्ति से प्रार्थना करता है, तो मनुष्य कृपा करते हैं तो वह मनुष्य जन्म देते हैं। और मनुष्य जन्म देने के बाद में वह ये चाहते हैं कि इसे कभी 84 लाख योनि में जाना ना पड़े। तो वह यह कहते हैं कि वेद ग्रंथ और कुरान बाइबल जितने भी किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, उनका अगर सार नहीं जाना तो 84 में जाना ही पड़ेगा। भक्तों, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने बड़े अच्छे तरीके समझाया है, लेकिन ये इंसान समझता ही नहीं। अगर समझ ले उस सार तत्व को और समझने के बाद उस रास्ते पर चले, तो जो मनुष्य का जन्म लेना और मरना दोनों ही समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि वह शक्ति अजन्मा है, वह निराकार है। और अजन्मा, निराकार, निर्गुण होते हुए वह शक्ति सारे कार्य करती है। भक्तों, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान परमात्मा कहता है, कोई उसे गुरु कहता है, लेकिन वह अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। नाम तो हम लोगों ने उसके रख लिए हैं, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, ना उसका कोई रूप है। वह आदि और अंत भी उसका नहीं है, वह अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई पारावार नहीं है। लेकिन हम समझते नहीं, हम दुनिया के इस चमचमाहट वाले संसार को देख करके और मोहित हो जाते हैं, और उसके बाद में उसे हम भूल जाते हैं जिसने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। वह जो शक्ति है उसको हम भूल जाते हैं, चाहे कोई भी धर्म है, उस सार तत्व को समझते ही नहीं है। वेद में, ग्रंथों में, बाइबल में, शास्त्रों में, सब में केवल एक ही बात लिखी है कि वह जो सार तत्व है उसको पहचानो, उसको जानो, और जान करके उससे एकाकार हो जाओ। बस इसीलिए मनुष्य शरीर मिलता है, नहीं तो और जितने भी शरीर हैं सब में सब कुछ होता है। सबके बच्चे भी होते हैं, सब प्यार भी करते हैं, सब खाते पीते भी हैं, सब जन्म भी लेते हैं, सब मर भी जाते हैं। लेकिन मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ योनि क्यों कहा गया है? क्योंकि वह उस शक्ति को प्राप्त कर सकता है, उस शक्ति से वह मिल सकता है, और उस शक्ति से मिलने के बाद में वह इस जन्म मरण रूपी जो संसार है इससे छुटकारा पा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और संतों ने तो यहाँ तक लिख दिया, नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। भक्तों,
चाहे कोई वेदों को पढ़ रहा है, चाहे वो बाइबिल पढ़ रहा है, चाहे कुरान पढ़ रहा है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है, अगर उसके अंदर से सार तत्व को नहीं जाना, नहीं निकाला, तो उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। नरक क्या है? ये 84 लाख योनि ही नरक है और कोई नरक नहीं है। और मनुष्य शरीर में सर्वगुण संपन्नता ही स्वर्ग है। तो भक्तों, हम तो आपसे ये निवेदन करते रहेंगे जब तक हमारा जीवन है, कि उस सार तत्व को जान लो, उस अनामी को जान लो जिसका कोई नाम नहीं है। भक्तों, उसको आप अपने अंदर जान सकते हो और उसको जान करके आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आपको चाहिए। भक्तों, उसके लिए जानने के लिए ना कोई पैसा खर्च करना है, ना कहीं जाना है, ना कोई वजन उठाना है। भक्तों, उसको अपने अंदर जान सकते हो आप, और उसके लिए कहीं जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं, कोई तप करने की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल उस जो सार तत्व है उसको जानने की आवश्यकता है, और उस सार तत्व को आप अपने अंदर ही जान सकते हैं। और वह सार तत्व हमारे अंदर ही है, वह श्वासों के अंदर ऐसे घुला हुआ है जैसे दूध के अंदर मक्खन है, जैसे तिल के अंदर तेल है, जैसे चकमक के अंदर आग है। भक्तों, संतों ने बहुत इशारे किए हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है, इंसान कस्तूरी का जो हिरण होता है उसकी तरह से भटक रहा है। कस्तूरी उसके अंदर है, कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है जिन्हें दुनिया देखत ना। वह अल्लाह, वह गॉड, वह वाहेगुरु, वह भगवान, वह परमात्मा हमारे घट के अंदर ही है और कहीं नहीं है। वो हमें मिलने के लिए तरस रहा है, तड़फ रहा है, लेकिन हमें कोई परवाह ही नहीं। हम दुख सुख भोग रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन कार्य है, जो अहम कार्य है जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म उस सर्वशक्तिमान ने दिया है, उस मालिक ने दिया है, उसकी हमें परवाह नहीं। तो भक्तों, उस सार को समझ लो। उस सार को समझने के बाद में आपको सब कुछ अपने आप धीरे धीरे मालूम होता चला जाएगा, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। आपकी जितनी भी इच्छाएं धीरे धीरे सारी समाप्त हो जाएंगी और आप जीते जी आनंद की अनुभूति करोगे। तो भक्तों, हम आशा करते हैं कि आप उस सार तत्व को जानने का जरूर प्रयास करेंगे, साधु संतों से मिलेंगे, मौलवियों से मिलेंगे, और आप इस तरह प्रयत्न करेंगे कि उसके अलावा हमारा कुछ संसार में न था, न है, न होगा, क्योंकि वह आदि शक्ति ही सब कुछ है। उसी से सब कुछ हो रहा था, हो रहा है और होता ही रहेगा। तो भक्तों, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।